हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। एक बहुत ही एक 5-10 मिनट का वीडियो होगा, थोड़ा सा बड़ा है। वो इसलिए है क्योंकि आज मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ बतानी है, और वो ये है कि आपका सीबीएसई का पोर्शन जो है वो रिड्यूस हो चुका है, जो कि सीबीएसई के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड वाले, वीडियो को छोड़ के मत जाना, आपके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सो सीबीएसई वालों के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, प्लस महाराष्ट्र बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए है क्योंकि अगर सीबीएसई वालों का कुछ पोर्शन कम होता है, आपको पता होगा कि सीबीएसई और महाराष्ट्र का कुछ कुछ लगभग सेम ही है पोर्शन, तो इसलिए अगर उनका कम होता है तो हो सकता है महाराष्ट्र बोर्ड का भी उसी में से कम हो। तो इसलिए महाराष्ट्र बोर्ड वाले भी देखना, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा आएगा कि कौन से चैप्टर आपके कम कर सकते हैं। मैंने पूरा आपके लिए लिख कर लाया है कि क्या क्या चीजें कम हुई है, कैसे कैसे कम हुई है। जैसे अगर मैथ्स में बात करें, ठीक है, ये 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई का पहले मैं बताऊंगा, जो कि महाराष्ट्र बोर्ड के साथ भी होता है। जैसे कि जो सीबीएसई के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड थी फॉर सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जिसे हम महाराष्ट्र बोर्ड की भाषा में डिटरमिनेंट मेथड या फिर क्रेमर्स रूल कहते हैं, उसे कैंसिल कर दिया गया, उसे हटा दिया गया है। तो हो सकता है महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी क्रेमर्स रूल की मेथड हटाई जाए। फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब जो हमें वर्ड प्रॉब्लम्स दी जाती है ना, जैसे एक एरोप्लेन था, उसकी स्पीड ऐसी थी, उसका टाइम ऐसा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में, तो वो वाली प्रॉब्लम्स पूरी की पूरी वर्ड प्रॉब्लम्स ही हटा दी गई है, एप्लीकेशन बेस्ड जोड़ती है। फिर इवन जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो एप्लीकेशन बेस्ड सम्स थे, मतलब जिसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स आती है, उसे भी हटा दिया गया है सीबीएसई के लिए, तो महाराष्ट्र बोर्ड के लिए भी हटा सकते हैं। और ये बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि हो सकता है कि आपके हॉट्स के क्वेश्चन ही निकाल दे, आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक में से ही पेपर है, ऐसा कर सकते हैं महाराष्ट्र बोर्ड को, है कि नहीं। फिर अगर और बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमारा टॉपिक होता है, उसमें से सीबीएसई का एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें एक निकालने का रहता है, उसके अंदर थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड सा हिस्सा होता है, वो हटा दिया गया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का महाराष्ट्र बोर्ड का भी निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद ट्रायंगल्स के अंदर दो थ्योरम्स हैं, उनके प्रूफ्स हटा दिए गए हैं। एक तो है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पोंडिंग साइड्स, ये एक प्रूफ हटा दिया गया है। दूसरा पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स, लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड को कन्वर्स तो है ही नहीं पाइथागोरस थ्योरम का, सीबीएसई बोर्ड को है, वो हटा दिया गया है। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल, जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट होता है, उसके अंदर एक ट्राइंगल है उससे सिमिलर एक और ट्राइंगल बनाना है, सीबीएसई के लिए हटा दिया गया है। स्टेट बोर्ड में है नहीं, मैंने देखा नहीं है, लेकिन वो हटा दिया गया होगा। फिर उसके बाद मोटिवेट द रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, वो ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट था, वो हटा दिया गया है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब जो 90 माइनस थीटा वाला जो पार्ट है ना, वो हटा दिया गया है। तो देखिए, इतनी सारी चीजें हटा दी गई है, आपके बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन आप लोग इसे स्किप नहीं करेंगे, आप सिर्फ उस पे कम ध्यान लगाएंगे, ठीक है। ज्यादा ध्यान आपका बाकी चैप्टर्स पे होगा, इस पे कम ध्यान होगा, और ध्यान तो लगाना ही है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आप देते हो उसमें कुछ रिडक्शन नहीं है, उसमें सारे चैप्टर आते हैं, तो इसलिए आपको ये थोड़ा पढ़ना है। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप जो बाकी चीजें पढ़ोगे उसमें भी आपको मदद होने वाली है। और भी चीजें देखिए, एरिया रिलेटेड टू सर्कल होता है, उसके अंदर प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्रीज है, वो हटा दिया गया है सीबीएसई को। फिर फ्रस्टम ऑफ कोन पूरा का पूरा उड़ा दिया, नथिंग फ्रॉम द फ्रस्टम ऑफ कोन, तो स्टेट बोर्ड को भी ऐसा हो सकता है। देन स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट में से स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन, ठीक है, वो हटा दी गई है। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ हटा दिया गया है सीबीएसई में से, महाराष्ट्र बोर्ड में भी हटा सकते हैं, और लेकिन प्रोबेबिलिटी से कुछ नहीं हटाया गया है। हाइट एंड डिस्टेंस जो रहता है ट्रिग्नोमेट्री में, वहां से कुछ नहीं हटाया गया है। सर्कल्स वैसे कोई भी रिडक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये चैप्टर तो आपको कंपलसरी पढ़ने पड़ेंगे सीबीएसई वालों, स्टेट बोर्ड का हम आगे देखेंगे, लेकिन ज्यादातर उसकी संभावना होती है कि इसमें से ही आएगा। तो ये हो गई मैथ्स की बात। अब अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में मेनली तीन ही चीजें स्टेट बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट और सीबीएसई बोर्ड में से हटाई गई है। पहले तो यूज ऑफ पैसिव वॉइस जो होता है ना, एक्टिव और पैसिव वॉइस, आपको पता होगा वो, उसको हटा दिया गया है। देन क्लॉजेस पूरी तरह से हटा दिया गया, दिस इज अ वेरी गुड न्यूज, क्योंकि क्लॉजेस पे बहुत लोग अटकते हैं, तो क्लॉजेस अगर हट जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रीपोजिशंस है, तो प्रीपोजिशंस को भी हटा दिया गया है इंग्लिश में से। फिर उसके बाद साइंस पार्ट वन पार्ट टू मैंने किया है, पार्ट वन मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स, पार्ट टू मतलब बायोलॉजी। तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में से क्या हटाया गया सीबीएसई वालों का, पहली बात तो इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर से नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं है, जबकि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उस चैप्टर में से इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट मतलब डीसी एसी जो होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, फिर उसके बाद एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, फिर उसके बाद डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये सब 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 हटा दिया गया है सीबीएसई में से। स्टेट बोर्ड में से भी इसमें से काफ़ी चीज़ें हटाने की संभावना है।
उसके बाद नेक्स्ट आता है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाला जो चैप्टर है, ठीक है। स्टेट बोर्ड को लाइट चैप्टर के अंदर ही वो थोड़ा सा उसका पार्ट इंक्लूडेड है। तो देखिए, फंक्शनिंग ऑफ लेंस ऑफ ह्यूमन आई, हमारी जो ह्यूमन आई रहती है उसका लेंस कैसे फंक्शन करता है, उसके अंदर अगर डिफेक्ट आ गया उसके अंदर करेक्शन कैसे करते हैं, सब सब हटा दिया गया है। एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर, जो स्पेरिकल मिरर्स होते हैं ना उनका एप्लीकेशन हटा दिया गया है, मतलब न्यूमेरिकल्स होते हैं, फिर इवन लेंसेज जो होते हैं उनका जो एप्लीकेशन होता है वो भी हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रिडक्शन है, 30% रिडक्शन है। महाराष्ट्र बोर्ड में भी 25 से लेकर 30% तक रिडक्शन होने वाला है, ऐसा स्टेट बोर्ड ने कन्फर्म किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, सोर्सेस ऑफ एनर्जी पूरी तरह से हटा दिया गया है सीबीएसई बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में नहीं होता है ये चैप्टर। उसके बाद लाइट में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। लाइट के अंदर सिर्फ मैंने जो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वाला पार्ट उतना चेंज है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है लाइट में। फिर उसके बाद बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस जो होते हैं, करोजन होता है उसका प्रिवेंशन कैसे करते हैं, ये मेटलर्जी ये चैप्टर से हटा दिया गया है। फिर उसके बाद कार्बन कंपाउंड से बहुत बड़ी छूट दी गई है, इसके अंदर जो आपको फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं हैलोजन हो गया, फिर उसके बाद अल्कोहल ग्रुप हो गया, उसके बाद वो एल्डिहाइड हो गया, बाकी सब वो जो है फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उसके हिसाब से नोमेनक्लेचर नहीं आएगा, पूरी तरह से हटा दिया गया है। सैचुरेटेड वर्सेस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का डिफरेंस हटा दिया गया है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हटा दिया गया है, मतलब जैसे हमें जो रिएक्शंस बताए जाते हैं ना, जो ऑक्सीडेशन वगैरह, वो सब हटा दिया गया है कार्बन कंपाउंड्स में से। फिर जो प्रॉपर्टीज और यूजेस होती है, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड, इनकी प्रॉपर्टीज और यूजेस होते हैं हटा दिया गया है। सोप्स और डिटर्जेंट्स के बारे में, जो सिर्फ सीबीएसई को स्टेट को नहीं है, वो भी हटा दिया गया है। तो ये सारी चीजें हटा दी गई है आप लोगों के लिए। फिर उसके बाद केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये चैप्टर में कोई चेंज नहीं है, ये एज इट इज आएगा। एसिड बेस एंड सॉल्ट, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आएगा, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम साइंस पार्ट टू की बात करें, मतलब बायोलॉजी की बात करें, तो उसके अंदर अगर नाइन्थ स्टैंडर्ड के पोर्शन की बात करें, मतलब स्टेट बोर्ड के नाइन्थ स्टैंडर्ड में आता है, सीबीएसई के टेंथ स्टैंडर्ड में आता है, जो कि ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, प्लांट्स हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, नर्वस सिस्टम हो गया, वॉलंटरी इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, फिर उसके बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन मतलब हार्मोन्स हो गया, ये सारी चीजें जो है सीबीएसई बोर्ड से हटा दी गई है। इन शॉर्ट, कोऑर्डिनेशन वाला पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। और उसके बाद जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवोल्यूशन होते हैं, मतलब हमारा जो एवोल्यूशन के शुरुआती कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे, एवोल्यूशन की डेफिनेशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, वो हटा दिए गए, लेकिन बाकी सब वैसे के वैसे, डार्विनिज्म हो गया, फिर वो लेमार्किज्म हो गया, फिर सीबीएसई को मेंडलिज्म भी है, वो सारी चीज़ें एज इट इज़ है। फिर मैं थोड़ा सा सीबीएसई के नाइन्थ पे भी आऊँगा, क्योंकि स्टेट बोर्ड का कुछ टेंथ का सिलेबस सीबीएसई को नाइन्थ में ही है, तो वो भी मैं बताऊँगा। और जैसे कि अगर साउंड वाले चैप्टर की बात करें, तो साउंड वाला चैप्टर पूरी तरह से हटा दिया गया है सीबीएसई क्लास के लिए, मतलब स्टेट बोर्ड को भी हटाने के काफी चांसेस बढ़ जाते हैं। ग्रेविटेशन में कुछ भी चेंज नहीं है, ग्रेविटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसके बाद केमिस्ट्री में बहुत ही कम चेंज है, ठीक है, और स्टेट बोर्ड के लिए तो केमिस्ट्री में नाइन्थ स्टैंडर्ड के पोर्शन से बिल्कुल भी चेंज नहीं देखने को मिला है। फिर अगर साइंस टू की बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में से सेल्स और टिश्यूज के बारे में जो भी चीज़ें होती है, सेल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जो भी है वो सेल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, वो सारी चीज़ें नो चेंज, एज इट इज, एज इट इज है वो सारी चीज़ें, सेल डिवीजन हो गया, वो कुछ भी हो गया, ये नो चेंज है। जबकि जो एनिमल क्लासिफिकेशन, एक अच्छी खबर ये है कि जो एनिमल क्लासिफिकेशन होता है, मतलब जिसे हम सीबीएसई की भाषा में डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, वेरी वेरी बहुत लोगों को डिफिकल्ट जाता था ये चैप्टर, जिसके अंदर बहुत सारा चीज़ें रटना पड़ती थी, तो वो रटना नहीं पड़ेगा अब, क्योंकि वो चैप्टर पूरी तरह से हटा दिया गया है सीबीएसई बोर्ड के लिए, तो हो सकता है महाराष्ट्र बोर्ड के लिए भी हटा दिया जाए। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, और आप लोगों को ये जरूर पता होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने ये सब बताई आप लोगों के लिए, बहुत ही क्या कहते हैं, स्टेट बोर्ड के लिए भी बताई कि इससे कुछ इंटर रिलेशन हो सकता है, स्टेट बोर्ड में भी ये चैप्टर्स कम हो सकते हैं, तो इस पर फिलहाल के लिए कम कॉन्सेंट्रेट कीजिए, बाकी के चैप्टर्स पर ज्यादा कीजिए, और जैसे ही स्टेट बोर्ड का नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको बताई दूंगा। उसी के साथ साथ आज रात को 9:30 बजे हमारा, आज हम चैप्टर खत्म करने वाले हैं, माइटोसिस और मियोसिस आज खत्म कर देंगे हम, तो 9:30 बजे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और 9:30 बजे जो ज्वाइन नहीं करेगा उसकी राय नहीं ली जाएगी कि कल से जो सुबह या सॉरी जो शाम को हम क्लासेस लेने वाले हैं वो कब लेंगे। अब शाम को क्यों लेने वाले हैं, क्योंकि सुबह वाली से काफ़ी लोगों को आपत्ति थी, काफ़ी लोग कह रहे थे हमारी ट्यूशन वगैरह होती है, तो आज रात को हम डिस्कस कर लेंगे वो कि कब लेनी है, और आज रात को आप ज़रूर आइएगा 9:30 बजे लाइव क्लास में। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड आई एम संकेत मनियार। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लेना, लाइक ना किया हो तो कर लेना। बाय बाय।